फाइनली होंडा ने अपनी होंडा CBR 150R 2021 को रिवील कर दिया है। आज जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन ये बाइक इंडोनेशिया मार्केट में लॉन्च हो गई है और अब इस बाइक में बहुत सारे नए चेंज किए गए हैं। बाइक को पूरी तरह से बदल दिया गया है, एक नए डिज़ाइन के साथ, नए फीचर्स के साथ बाइक आती है। और इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का वीर जी आदि रहा और मैं अपनी पूरी राइडर फैमिली का स्वागत करता हूँ आज एक नई वीडियो के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यार, CBR 150R इंडोनेशिया मार्केट में लॉन्च हो गई है, उसकी नई जनरेशन, और ये बाइक पूरी तरह से चेंज कर दी गई है और ये बाइक अब 70-80% इंस्पायर्ड है अपनी बड़ी बहन होंडा CBR 250RR से। होंडा की CBR 250RR एक बहुत ही प्रीमियम और बहुत ही अट्रैक्टिव लुक के साथ आती है और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए होंडा ने अपनी नई जनरेशन CBR 150R को बनाया है और ये बाइक अब पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गई है और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव भी हो गई है। अब इसके साथ ही इस वीडियो में इस बाइक की बाकी सारी डिटेल के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या आपको नए फीचर्स बाइक में मिलते हैं, कैसी लुक है बाइक की, क्या प्राइस रहेगा और इंडिया में कब तक लॉन्च हो सकती है। यार ये टॉपिक इस बाइक के लिए बहुत ही बड़ा बवाल है और उस बवाल का सोल्यूशन आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से अब अपनी वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। Bigger racing sensation. The all-new CBR 150R. वीडियो स्टार्ट करने के साथ सबसे पहले इस बाइक के नए फीचर्स और नए अपडेट की बात करते हैं। तो सबसे पहले इस बाइक के फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको बिल्कुल न्यू LED इंडिकेटर, LED DRL और LED हेडलाइट देखने को मिल जाती है। आपको कहीं ना कहीं सिमिलर लगेगा CBR 250RR से, लेकिन मैं आपको बता दूँ उससे थोड़ी सी अलग है बाइक। अगर आप ध्यान से देखते हो तो आपको समझ में आएगा, जो इसका फ्रंट का डिज़ाइन है वहाँ पे लाइट वगैरह तो सेम है लेकिन फेयरिंग के अंदर काफ़ी साफ डिज़ाइन दिए गए हैं और बहुत ही एग्रेसिव लगती है देखने में। यहाँ तक कि जो CBR 250RR आती है उससे भी ज़्यादा एग्रेसिव लुक इस बाइक की देखने में लग रही है, जो कि बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसके साथ ही अगली चीज़ की बात करते हैं, आपको बता दूं जो इसके इंडिकेटर है, शायद आपको देखने से नहीं पता लग रहा होगा, इसकी जो DRL है, DRL के अंदर ही इंडिकेटर इंटीग्रेटेड दिए गए हैं। जब आप लेफ्ट साइड का इंडिकेटर दोगे तो DRL के अंदर ही ऑरेंज कलर में इंडिकेटर ब्लिंक करने लग जाएगा, जो कि काफ़ी यूनिक और अट्रैक्टिव फीचर लगता है देखने में। इसके साथ ही अब इस बाइक में आपको फ्रंट में UST फोक्स मिल जाते हैं, जो कि सोवा की तरफ से, और ये गोल्डन कलर के आते हैं, जैसा कि आज के टाइम में अपने इंडियन मार्केट में हॉर्नेट 2.0 के अंदर देखने को मिलते हैं बिल्कुल उसी तरह। इसके अलावा इसकी साइड लुक की बात की जाए तो साइड लुक भी आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि जो CBR 250RR आती है उसके जैसी है सेम, लेकिन बता दूं कि उससे इंस्पायर्ड है, उसके जैसी नहीं है। आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा जो इसकी कट है, जो बॉडी डिजाइन है, जो शार्पनेस है बाइक के अंदर, वो CBR 250RR के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगी। उसका डिज़ाइन कहीं ना कहीं लिया गया है, लेकिन इस डिज़ाइन के अंदर ज़्यादा शार्प लुकिंग दी गई है, आपको ज़्यादा शार्प कट दिए गए हैं। आप जब फेयरिंग को ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसा कि इस बाइक की फेयरिंग के ऊपर ये जो शार्प डिज़ाइन आपको देखने को मिल रहा है, ये CBR 250RR के ऊपर आपको नहीं मिलता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं बाइक के अंदर जो कि यूनिक बना देती है लेकिन देखने में सेम भी लगती है। तो कहीं ना कहीं इसका इंजन छोटा है CBR 250RR से, लेकिन दिखने में ये उससे थोड़ी सी ज़्यादा बेटर हो गई आज के टाइम में। इसके अलावा अगले फीचर की बात की जाए तो आपको टेल सेक्शन के अंदर न्यू टेल फेयरिंग आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको न्यू LED टेल लाइट भी देखने को मिल जाती है, जो कि CBR 250RR के जैसी है। इसके साथ ही यहाँ पे LED इंडिकेटर आपको देखने को मिल जाते हैं। अब इसके इंजन की बात की जाए तो इस बाइक में आपको 150cc का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल DOSC इंजन देखने को मिल जाता है, जिसकी पावर फेयर की बात की जाए तो ये 17.1 BHP की पावर और 14.4 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। इसके अलावा बाइक के अंदर आपको 6-speed गेयरबॉक्स और असिस्ट स्लिपर क्लच भी आपको देखने को मिल जाती है। अब इसके ब्रेक्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डुअल डिस्क विद डुअल चैनल ABS देखने को मिल जाता है, और ये तो सभी में आता है, तो कोई बड़ी बात या नई चीज़ तो नहीं है। तो बाइक काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गई है। तो अब इस बाइक की हमने जो जो अपडेट है, जो जो नए फीचर है, उन सब की बात अपन ने कर ली है। अब इसकी प्राइस की बात की जाए तो इस बाइक की जो प्राइस है, अगर अपने इंडियन मार्केट के हिसाब से देखें तो अगर इंडियन मार्केट में लॉन्च होती है तो इसकी प्राइस रहेगी 170,000 से 180,000 एक्स शोरूम, जो कि R15 से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और ये एक्सपेंसिव इसलिए रहेगी क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी प्रीमियम चीज़ भी आपको देखने को मिल जाती है। और आज से 4-5 साल पहले जब CBR 150 अपने इंडियन मार्केट में आया करती थी, उस टाइम R15 के कंपैरिजन में उस बाइक में कम फीचर थे, लेकिन फिर भी वो R15 से थोड़ी सी ज़्यादा कॉस्टली थी, ज़्यादा एक्सपेंसिव थी कम फीचर होने के बाद भी। लेकिन आज इस बाइक में R15 से थोड़े से ज़्यादा फीचर्स मिलते हैं, मतलब क्वांटिटी के हिसाब से नहीं, प्रीमियम वाली चीज़ के हिसाब से, मतलब इसकी बिल्ड क्वालिटी और जो फीचर्स मिलते हैं उनकी क्वालिटी बहुत ही शानदार है बाइक के अंदर। तो प्राइस उससे काफ़ी ज़्यादा जाएगी इस बाइक की, लगभग 170,000 से 180,000 एक्स शोरूम, और ऑन रोड आपको 2 लाख प्लस देखने को मिलेगी अगर इस बाइक को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया जाएगा।
अब आपको 150cc सेगमेंट की बाइक मिल रही है 2 लाख प्लस में, और यही रीजन है कि इस बाइक को अब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं किया गया है। लेकिन आज के टाइम में बाइक में काफी सारी चीजें प्रीमियम देखने को मिल जाती है आपको, और इस बाइक में यहाँ पे आपको कोई भी कॉस्ट कटिंग देखने को नहीं मिलेगी अगर इसको लॉन्च किया जाएगा इंडिया के अंदर, क्योंकि हॉर्नेट 2.0 के अंदर आपको USD फोक्स मिल जाते हैं। और तो क्या कॉस्ट कटिंग करेंगे यार कंपनी वाले, और तो छोटी मोटी चीजें होती है। मैं जो चीजें आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, तो इस बाइक में से क्यों कॉस्ट कटिंग करेगी होंडा, जो कि ये उससे ज्यादा प्रीमियम है। तो यहाँ पे मैं श्योर हूँ कि बाइक में कॉस्ट कटिंग नहीं होगी, और ये भी श्योर है कि बाइक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा रहेगी, 2 लाख प्लस रहेगी ऑन रोड। तो इतने रुपए में आप इस बाइक को परचेज करोगे या फिर नहीं? 2 लाख प्लस में 2 लाख 10 हज़ार, 2 लाख 20 हज़ार के आसपास ऑन रोड रहेगी, मतलब 2 लाख 5 हज़ार भी रहेगी लेकिन 2 लाख से प्लस रहेगी ऑन रोड। तो इतने रुपए में आप इस बाइक को परचेज करोगे या नहीं करोगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, क्योंकि मुझे देखना है कि होंडा जो डिसीजन ले रही है कि प्राइस ज़्यादा होने से उसकी बाइक यहाँ पर ये बिकेगी नहीं। तो इस आज इस वीडियो के कमेंट में मुझे ये चीज़ समझ में आ जाएगी कि कितने लोग लेने में इंटरेस्टेड है। इसके अलावा लॉन्च के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको कि इस बाइक को अब लॉन्च करने की जो एक्सपेक्टेशंस है वो ज़्यादा बढ़ गई है। उसका रीज़न बता देता हूँ, क्योंकि पहले इस बाइक में कोई ऐसी प्रीमियम चीज़ नहीं आती थी जिससे कि R5 को हटा के इस बाइक को लिया जाए, लेकिन अब इस बाइक में वो चीज़ हो गई है। एक बहुत ही प्रीमियम डिज़ाइन दे दिया गया है बाइक को, बहुत ही प्रीमियम लुक है। परफॉर्मेंस वाइज थोड़ी सी कम है R5 से, मतलब हल्की सी कम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती है, लेकिन अच्छी मिलेगी क्योंकि इसमें DOHC इंजन आपको देखने को मिलता है, तो कहीं ना कहीं सिमिलर रहेगी। थोड़ी सी 19-20 का फर्क रहेगा दोनों बाइक में, तो परफॉर्मेंस वाइज भी आप कुल मिला के सेम मान सकते हो या फिर 19 मान सकते हो अगर R5 20 है तो। इसके अलावा फीचर्स काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम हो गए बाइक में, USD फोक्स हो गया, डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, अट्रैक्टिव है। तो अब मुझे लगता है कि अगर अब इस बाइक को लॉन्च किया जाएगा इंडियन मार्केट में तो ये ज़रूर सेल होगी। होंडा अभी इंडियन मार्केट में थोड़ा सा सीरियस भी हो गया है, अभी हॉर्नेट 2.0 को काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम बना के लॉन्च किया, उसके अलावा हाईनेस CB 350 भी आई है। अब होंडा की एक नई बाइक और आने वाली है इंडियन मार्केट में, होंडा की CB 250। अब ये CB 250 किस तरह की बाइक रहेगी, ऊपर आई बटन में लिंक छोड़ रहा हूँ, मैंने की वीडियो बनाई थी, और ये बाइक 100% आएगी। वो वीडियो देख के आप समझ जाओगे कि किस तरह की बाइक रहेगी CB 250। तो थोड़ा सीरियस भी हो गया, तो अब आप मान सकते हो कि ये बाइक इस साल लॉन्च हो सकती है इंडियन मार्केट में। बाकी मैं कन्फर्म होकर नहीं बोलूँगा आपको, और कन्फर्म होकर बोलना नहीं चाहिए क्योंकि होंडा का कोई भरोसा नहीं है, काफ़ी साल से चल रही है बाहर इंडियन मार्केट से लेकिन यहाँ पे नहीं आई है। तो मुझे जो जानकारी समझ में आई, जो मुझे पता लगी, जो मैंने नेट पर देखा, थोड़ा रिसर्च किया, वो मैंने आपको बता दिया। अब अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना, नई नई पोस्ट, नई नई रील्स और क्वेरी हो तो उसका जवाब भी मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम पे। उसके अलावा वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर, ध्यान रखो ना, मस्त रहो, खुश रहो यार।